लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारी सीरीज हार्ट टू हार्ट में। आज हमारे साथ डॉक्टर जगदीप यादव हैं। डॉक्टर यादव कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी के आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और ये सीरीज का बेसिक मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। धन्यवाद। डॉक्टर जगदीप एक चीज बताए, हाइपरटेंशन को लेकर लोगों में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, सोचते रहते हैं अलग कि मैं तो बहुत यंग हूँ, मुझे ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप बताएंगे किस तरह के लोग मतलब धारणा रखते हैं कि मुझे ये नहीं हो सकता। देखिए हाइपरटेंशन पहली बात तो सबसे बड़ी मिथ मैं दूर करना चाहूंगा। कई लोग इसको ट्रीट करते हैं ट्रांसजेंट बीमारियों की तरह, जैसे खांसी जुकाम बुखार हुआ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, जी मेरे को 3 साल पहले ब्लड प्रेशर हुआ था, मैंने 15 दिन दवाई खाई, मैं ठीक हो गया, उसके बाद मैंने कभी चेक भी नहीं कराया और मैं ठीक रहा दे मीन कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेट मी टेल यू, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों साइलेंट किलर्स हैं। सो आपको प्रॉब्लम के लिए वेट नहीं करना है। सो यू शुड हैव टू बी प्रोएक्टिव कि आपको पहले से इसको पता करना है, इफ दिस थिंग इज देयर इट नीड्स टू बी ट्रीटेड, इट इज एज सिंपल एज दैट, पहली बात। दूसरी बात, अगर हो भी जाती है, लोगों को रहता है कि मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं तो 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं 5 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, तो मुझे हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो मिथ। बिकॉज हाइपरटेंशन पर से, यस, इफ ए पर्सन इज एक्टिव एंड इफ ए पर्सन इज मूविंग अराउंड, इफ ए पर्सन इज सेडेंटरी, सो ही इज लेस लाइकली टू गेट हाइपरटेंशन एंड इज मोर लाइकली टू गेट हाइपरटेंशन कंट्रोल विदाउट मेडिकेशन ऑल्सो। दोज टू थिंग्स आर ट्रू, बट ही कैन नॉट गेट हाइपरटेंशन, दिस थिंग इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि उसको बीपी हो ही नहीं सकता है। सो एट ऑल टाइम्स, आई मीन मे बी एवरी मंथ और सो, मे बी एवरी 3 months, सो वी शुड गेट आवर ब्लड प्रेशर चेक। सो देर इज नो अदर वे, यू शुड नॉट वेट फॉर द सिम्टम्स टू कम, यू शुड नॉट वेट फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट टू हैपन, सो दैट आप वो सारी चीजें जो नोटिस करना शुरू करें। अच्छा, क्या ये सही है कि जैसे मुझे अभी आपने खुद बोला कि एक बार बीपी आया तो उसके बाद ठीक हो गया, लोगों के ये भी रहता है कि मैंने को अगर एक बार आ गया बीपी तो मुझे शायद जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये कितना सच है? वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली आल्सो। बहुत से लोगों को ये होता है कि एक बार मैंने दवाई शुरू कर दी तो सारी उम्र खानी पड़ेगी। लुक, क्लियर वन थिंग, दीज मेडिसिन आर नॉट एडिक्टिव। इट इज नॉट लाइक कि आपको ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम के लिए हमने शुरू किया, उसके बाद आपने दवाई लेनी शुरू की और उसके बाद उन मेडिसिन की वजह से आप जब भी मेडिसिन छोड़ेंगे तो आपको बीपी बढ़ जाएगा। इट इज द नेचर ऑफ डिजीज पर से जिसकी वजह से आपको दवाई लेनी पड़ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस। सो अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे, इट इज नॉट लाइक यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम मेडिसिंस और देयर साइड इफेक्ट्स, यू आर सॉर्ट ऑफ एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू दोज हाई डिग्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर विच कैन कॉज प्रॉब्लम फ्रॉम विद इन। आपका हार्ट खराब हो सकता है, आपकी किडनीज खराब हो सकती है, आपका ब्रेन खराब हो सकता है, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक जो बोलते हैं, किडनी फेलियर होना, हार्ट फेलियर होना, ये जो हम देख रहे हैं यंग एज के अंदर जो ज्यादा प्रॉब्लम्स होना है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि वी इग्नोर दीज थिंग्स अर्ली एंड देन व्हेन इट कम्स बैक एट ए मोर मॉर्बिड स्टेज देन वी रिव्यू द थिंग कि अब ये मेरे को ये हो गया, अब आई विल बी वेरी सिंसियर, आई विल बी वेरी डेडिकेटेड अबाउट टेकिंग मेडिसिन, मैं रिलीजियसली मेडिकेशन फॉलो करूंगा, बट दैट टाइम वुड हैव बीन पासे। सो द थिंग इज कि जब आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो रहा है, यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर। लुक, वी एज डॉक्टर्स, वी ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट एनीबडी टू बी हैविंग अननेसेसरी ऑन मेडिकेशंस। सो द फर्स्ट पैरामाउंट थिंग इज टू सी वेदर द पेशेंट पर से रिक्वायर्स मेडिसिंस और नॉट। पहला स्टेप ही हमारा ये होता है, इसीलिए हम फर्स्ट स्टेज पे जब भी कोई सस्पेक्टेड हाइपरटेंशन वाला बंदा हमारे पास आता है तो फर्स्ट स्टेप इज टू नो वेदर दैट पेशेंट इज एलिजिबल फॉर फार्माकोथेरेपी और नॉट। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम उसको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, हम बोलते हैं आप बीपी मॉनिटरिंग करो, सो एज टू बी वेरी श्योर कि जब हम उसको शुरू कर रहे हैं मेडिसिन पे, सो दैट पेशेंट डिजर्व्स मेडिसिन, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। सो इसके आगे जो चीज है वो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेडिकेशन पर से, तो आपको मेडिसिन लेना है बिकॉज हाइपरटेंशन बीमारी का नेचर जो है वही है कि दैट इज गोइंग टू स्टे, इट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, इट इज गोइंग टू स्टे इन योर बॉडी, दिस इज इट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सो यस, आपने सुना, डॉक्टर यादव ने हमें बताया कि क्या चीज, कुछ चीजें जैसे होती हैं हम सुनते हैं घर में भी सुनते हैं कि अरे मेरे को जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी बीपी होगा, तो उसका बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं आपके लिए जानकारी फायदेमंद रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका।